भी गोभी के परांठे बनाते हो लेकिन जो उसकी फिलिंग है वो बाहर निकल जाती है और परांठा है वो प्रॉपर नहीं बन पाता है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए देखते हैं इस क्रिस्पी से परांठे को किस तरह से बनाया जाता है। एक स्पून है गोभी का वो कद्दूकस कर लिया है। स्वाद के अनुसार नमक, काली मिर्च, रेड चिली पाउडर, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खुशबूदार बनाने के लिए हमने थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डाल लिया है, ताज़ी हरा धनिया मैंने ली है, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इस परांठे को हमने फिलिंग करके अच्छी तरह से बेल लेना है। इस तरह के ट्रिक के साथ है जो हमारी फिलिंग है वो कभी भी बाहर नहीं निकलती है, बिल्कुल परांठे के अंदर ही रहती है। चलिए अब इसको सेक लेते हैं। इसको हमने दोनों तरफ से सेक लेना है। तो इस तरह से हमने इसको घी लगाते जाना है ताकि ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाए। दोनों तरफ से घी लगाएंगे, देसी घी भी लगा सकते हो आप, बटर भी लगा सकते हो या फिर आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसको हमने हल्की आंच पे क्रिस्पी करना है। तो इस तरह से दोनों तरफ से परांठा हमारा क्रिस्प हो चुका है। आप चाहे तो इसको और भी क्रिस्पी बना सकते हो लेकिन इतना सफिशिएंट हो जाता है। आप इसे दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ भी और बटर के साथ भी। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब। ये मैंने ये दो रोटी है वो बना ली है। एक रोटी के ऊपर अच्छी तरह से हमने अपनी फिलिंग को फैला लेना है इस तरह से। दूसरी रोटी को इसके ऊपर रख देंगे और अच्छी तरह से इसको सिक्योर कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी इसको अच्छी तरह से हमने प्रेस कर लेना है। तवा हमने गर्म कर लिया है, परांठे को इसके ऊपर रख देंगे। इसको पलट लेना है। दोनों तरफ ही हमने मक्खन या घी जो भी आपकी चॉइस हो वो आप लगा सकते हो, इससे भी एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाता है। तो इस तरह से ये बिल्कुल करारा हो चुका है परांठा। अब इसको हमने दही के साथ सर्व कर देना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो परांठे बनाने की तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।